मेरा नाम मुकेश जैन है, नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण शाला का मैं अध्यक्ष हूँ। आपको याद होगा कि 2 साल पहले ओम बाबा और हमने यहाँ पर घोषणा की थी कि क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर बंद है और उसको खुलवाने का हमने बहुत प्रयास किया, तो ओम बाबा घोषणा करके गए थे कि जैसा मंदिर कोणार्क में है इतना ही विशाल भव्य मंदिर कोणार्क में बनाया जाएगा और सूर्य भगवान का जो पूजा 120 साल से रुका हुआ है, 19 साल से रुका हुआ है, वो पूजा उस मंदिर में आरंभ किया जाएगा। आज ओम बाबा भले ही ना रहे हो, किंतु हम उनके सपने को पूरा करने में, उनके जो घोषणा थी उसको पूरा करने में कृत संकल्प है। कोणार्क में सूर्य पूजा स्थापना हो चुकी है, 7 फुट की सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति है, उसकी पूजा की जा रही है और रथ के चक्र के पहिए, शिल्प स्तंभ, शिल्प, सैकड़ों किलो पत्थर राजस्थान से कोणार्क पहुँच चुके हैं और हमारा सोचना है और मानना है कि आगामी माघ सप्तमी तक हम 4 रथ के पहिए सहित, 7 घोड़ों सहित एक भव्य मंदिर, अभी पूजा अर्चना चालू है, एक मंदिर स्थापित हो जाएगा हमारा और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसा मंदिर राजा नरसिंह देव ने बनाया था, जो जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और आज भारत सरकार भी उसको नहीं खोल रही है, इतना ही भव्य मंदिर हम कोणार्क में स्थापित करेंगे। 18 साल से तो हम इसी काम में लगे हुए थे, किससे नहीं मिले हम, जगमोहन जी से मिले, 2003-05 की बात है, वो जो आपके जम्मू कश्मीर राज्यपाल बने बाद में, आपके डॉक्टर महेश चंद्र थे उनसे मिले हम, प्रहलाद सिंह पटेल से मिले, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने महेश चंद्र शर्मा से हमारी 18 दिसंबर 2018 को बात हुई, उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं खुलेगा, उससे पहले बाहर ने बताया था मंदिर गिर जाएगा, किंतु जी जी सरकार से बात चल रहा है हमारा, शंकराचार्य हमारा बात हुआ, हमने उनसे आज से 2 साल पहले ईंट मांगने गए थे मंदिर के लिए, उसके बाद कोरोना फैल गया, सब बात हो गया। नहीं, आपके आपके राज्य सरकार ने आपको कुछ अनुमति दी थी कि ये मंदिर बनाने के लिए ये प्रसंग में कुछ? देखिए, मंदिर बनाना का आदेश भगवान जगन्नाथ से हुआ है, उनसे बड़ा कोई ताकत नहीं है, उन्होंने खुद साक्षात देवदूत भेजकर मैं घटना को बताता हूँ आपको, मैं ये बात है 2006-07 का बात है, मैं सोया हुआ था, अचानक मेरे कान में आवाज आई, मुकेश जैन, आवाज आई कान के अंदर, जैसे आपकी माँ सुबह उठते बुलाती है, तो जब कान में आवाज आई तो मैं उठा तो मैं देखता हूँ साक्षात एक देवदूत खड़ा है, साक्षात, कान में कुंडल है, हाथ में लट है, पैरों में जूती है, ऊंची धोती है, धोती की किनारी पीली है, गमछा है लाल रंग का यहाँ पर, और धोती का रंग बोलते जो भगवान जगन्नाथ के मुख का रंग है, उसने एक दो ही शब्द बोला किंतु वो सब समझा के चला गया क्या करना है, मैं डर गया, घबरा गया, मैंने सोचा था कि मरने से पहले ही यमदूत दिखाई देता है, मैंने सोचा यमदूत आ गया है।